नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर आज रात्रि लगभग 9 बजे के आसपास बड़ी उमदी अंतर्गत आदाब कॉम्प्लेक्स में लगे हुए कई मीटरों में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग को देखकर परिसर में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। परिसर के रहवासियों में दहशत बन गई, जिसे देखकर लोगों ने अग्निशमन दल को सूचना देकर मौके पर बुलाया। तत्काल अग्निशमन दल मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। इसी घटना से किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। सभी लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस आदाब कॉम्प्लेक्स में मार्केट बना हुआ है, जिसकी वजह से बिजली मीटरों में ओवरलोड होने से आग लगी है। इस प्रकार की घटना पहले भी हुई, लेकिन मार्केट के लोगों द्वारा बिजली मीटर पर लगातार लोड बनाया हुआ था। ऊपर फ्लैट में कई परिवार रहते हैं। इस घटना को देखकर मौके पर दमकल कर्मियों द्वारा पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। वहीं रहवासियों ने आरोप लगाया कि विद्युत विभाग के रीडिंग करने वाले भी लापरवाही करते हैं, जिससे कि यह किसी बड़ी घटना घट सकती थी जो टल गई। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। अरे वो वायरिंग लगी, मैं परेशान हूं, हो जाएगा ये वायरिंग वाली। तुम लोग दरवाजा बंद करियो ना, और ये अपने आला ही बंद कर दो यार, रुकना है ये बालकनी के बाहर आ जाओ, बालकनी वाला बंद कर दो ना। ओमती थाना क्षेत्र में आदाब कॉम्प्लेक्स नाम का एक अपार्टमेंट है, जिसमें 24 फ्लैट हैं और ये व्यस्तम मार्ग में स्थित है ये फ्लैट, और यहाँ पे अचानक मीटरों में आग लग गई और सीढ़ी के पास जो है बहुत सारे मीटरों का एकदम जमघट लगा हुआ है, जहाँ से जो है अचानक आग लगने से लोग घबरा गए। और इसके बाद जो है इतना धुआं निकला कि उनको लोगों को बचाने के लिए जो लोग घुस रहे थे सबका दम घुटने लगा, और जो लोग फ्लैट में फंसे हुए थे उनको छतों पे जाना पड़ा, और कुछ सीढ़ी लकड़ी की सीढ़ी के सहारे जो है नीचे महिलाओं को उतारा गया। और इसके बाद जो है फ़ोन करने पे नगर निगम से फायर ब्रिगेड आई, उसने अपना जो है पानी वगैरह डाल के जो है आग बुझाया गया, और जनहानि से तो बच गया, लेकिन आने वाले समय में कभी ये दुर्घटना हुई तो बहुत लोगों की जान को खतरा है। इसलिए जो है इसके लिए उचित कदम उठाया जाए। आप लोग आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को ये MPB को ये बताया जाए कि ये जो दुकानदारों के जो मीटर लगे हुए हैं, इन सबके मीटरों को अलग किया जाए, वरना औरतें बच्चे किसी का भी जो है बहुत ही जनहानि हो सकती है। किसकी लापरवाही समझ में आ रही है? ये लापरवाही समझ में क्या है, ये तो एक घटना है, अप्रिय घटना है, और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हुआ है, तो ये इनको जो भी रीडिंग लेने आते हैं लोगों को वहाँ बताना चाहिए कि भाई इतने सारे मीटर एक जगह लगे हुए हैं, इनको ज़्यादा नॉलेज है, ओवरलोड की वजह से है, और गर्मी का भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत सारे AC लगे हुए हैं, है ना, तो इन सबको जो है अलग अलग किया जाए, ट्रांसफार्मर या जरूरत पड़े तो ट्रांसफार्मर लगाया जाए लोगों के पर इसकी जो है। मेरा नाम शाहिद अली, एडवोकेट। अब फ्लैट है यहाँ समदलिया, यहाँ 24 फ्लैट हैं और 24 फ्लैट के लोगों में नीचे मीटर है और इसमें आग लग गई, जिससे सारे फ्लैट वाले छतों पर चले गए, और कृपा करके इसके लिए ऑब्जेक्शन उठाया जाए कि मीटर यहाँ से हटाया जाए, नहीं कभी भी बहुत बड़ी घटना हो सकती है यहाँ। और यहाँ कुछ दुकानदारों ने भी अपने मीटर लगाए और इनके मीटर भी हटा करवाया जाए, हमारी रिक्वेस्ट है, नहीं तो यहाँ बहुत बड़ी घटना। हाँ, ये दुकानदार जी, अभी कोई जनहानि हुई? कोई जनहानि नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ, टाइम से नगर निगम सब टाइम से सब आ गए, और MPB वाले जिनने फटाफट करके कंट्रोल कर लिया, नहीं बहुत बड़ी घटना होती। सैयद जावेद अली, इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।